नमस्ते आदाब, मैं सलीम मिस्त्री, मुस्लिम पाछेपेट। तमाम मुस्लिम नौजवानों की तरफ से हम लोग यहाँ पर जिलाधिकारी साहब को एक निवेदन देने आए थे। जैसा कि हमारे वकील साहब ने बताया कि एक कुत्ता बोलकर जिसे संबोधित किए हैं, मैं समझता हूँ कि रास्ते पर फिरने वाला कुत्ता भी अगर हम उसे एक आधी रोटी खिलाएँ तो रात अगर अपन कभी भी उसके सामने से गुजरे तो वो अपने को भोंकता नहीं। और मुझे तो ऐसा लगता है ये तो पाड़ी कुत्ता है, ये तो पाला हुआ कुत्ता है। तो मैं महेश कोटे साहब को ये बोलना चाहता हूँ कि हम मुस्लिम समाज के भाई ने कहा था कि इसका DNA चेक किया जाए, और मुझे भी ऐसा लगता है इसका DNA चेक किया जाए, क्योंकि जैसा अंग्रेज़ों के ज़माने में फूट डालो और हुकूमत करो जो उनकी योजना थी और जो पॉलिसी थी, उसी पॉलिसी तहत BJP दो समाज के बीच में तेढ़ निर्माण कर वोटों का ध्रुवीकरण कर फिर से एक बार सत्ता में आना चाहती है, और लोगों का इस्तेमाल कर और महंगाई और इन्फ्लेशन और इकोनॉमी को और बेरोजगारी को बढ़ाना चाहती है। तो मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इनके बहकाव में मत आएँ, सिर्फ और सिर्फ ये हिंदू भाइयों का इस्तेमाल कर फिर से एक बार सत्ता में आकर लोगों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। ये हिंदू भाई भी जानते हैं कि मुसलमान उनका कुछ नहीं बिगाड़े और मुसलमान कुछ नहीं करता। मुसलमान जितना शांति से इस देश में रहता है ये हिंदू भाई भी जानते हैं, और हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है इसको हम बरकरार रखना चाहते हैं, और हम बरकरार रखने की कोशिश करेंगे और ता कयामत तक इसको बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान हमारे सब का है, किसी एक का नहीं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों के बहकाव में न आएँ, और जैसा अंग्रेज़ हुकूमत करना चाहती थी कि दो समाज के बीच में टेंट निर्माण कर हुकूमत करना, आपस आप भाई भाई को आपस में लड़वाना, वैसा ही BJP वैसी कोशिश कर रही है। तो मैं इसका निषेध करता हूँ और हमारे हिंदू भाइयों से अपील करता हूँ कि इनके बहकाव में ना आएँ। और राजेश कोटे ने एक बात कही थी, देवेंद्र कोटे ने एक बात कही थी कि नई जिंदगी और शास्त्री नगर में 50,000 बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं बोलकर। तो मैं शासन और प्रशासन से विनती करना चाहूँगा कि देवेंद्र कोटे, शायद मुझे ऐसा लगता है कि वही 50,000 लोगों को लाकर यहाँ पर बसाया हुआ है वोट बैंक के तौर पर। तो मैं ये चाहता हूँ कि उसकी तफ्तीश की जाए कि हिंदुस्तान में किस रास्ते से वो बांग्लादेश से मुसलमानों को लाकर यहाँ पर रखा है, और देवेंद्र कोटे को साथ में लेकर वो जो 50,000 बांग्लादेशी यहाँ पर मौजूद हैं उनकी तफ्तीश कर उन्हें जल्दी से जल्द देश के बाहर निकाला जाए, वरना इस बोलने पर, इस वक्तव्य पर उस पर कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए। इतना कहते हैं। दिनांक 1/5/2024 रोजी योगी आदित्यनाथ यांची सभा वल्याड ग्राउंड कर्णिकनगर येथे होत असताना त्यामध्ये एक भाजप प्रवेश केलेला कुत्रा, त्याचं नाव मला घ्यायला नको इच्छितो, ते नालायक मुस्लिम समाजाबद्दल अपशब्द वापरून मुस्लिम आणि हिंदू समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याच्या उद्देशाने त्यांनी भाषण केल्यामुळे मुस्लिम समाजाचे भावना दुखावल्या आणि मुस्लिम समाजांना वेगवेगळ्या पद्धतीने त्यांनी ब्लेम करून त्यांना जिहादी म्हणून, लांड्या म्हणून अशा प्रकारचे शिवीगाळ्या देऊन त्यांनी मुस्लिम समाजाची भावना दुखावलेली आहे। आणि सोलापूरचा कायदा व सुव्यवस्थेला गालबोट लावण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे आम्ही मुस्लिम पाछापेठ बीबी फातिमा एज्युकेशन ट्रस्टच्या वतीने सर्व आमचे मुस्लिम बांधव नागरिक सगळे मिळून इथं माननीय जिल्हाधिकारी यांच्याकडे त्यांच्या त्या कुत्र्याबद्दल त्याच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याकरिता व त्याला अटक करावा असा अशा प्रकारे निवेदन आम्ही माननीय जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दिलेलं आहे। आणि जिल्हाधिकारी साहेबांना आमची विनंती आहे की त्यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्याला अटक करण्यात यावा। कोणाच्या विरुद्ध, त्याचं नाव तर सांगावे आपण? देवेंद्र राजेश कोठे यांनी मुस्लिम समाजाबद्दल अपशब्द वापरून शिवीगाळ करून दोन्ही समाजामध्ये, हिंदू मुस्लिम समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे।